हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड बस चुके हैं सुबह की आज, और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं घर के बाहर और ये तिमूल का पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, तो मम्मी इसे थोड़ा काट रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा हो चुका है और इसमें पत्ते भी बहुत ज्यादा फैल गए हैं, तो आगे से थोड़ा जंगल टाइप का लग रहा है, जिस वजह से मम्मी ने कर दिया इसकी कटिंग। नीचे साइड से जितने भी इसमें पत्ते वगैरह से टहनियां थी, मम्मी ने सब तोड़ दिया और अब सब ऊपर के साइड ही है इसकी टहनियां। एक तिमूल का पेड़ ये है, एक और तिमूल के पेड़ की बारी आ रही है, देखते हैं उस तिमूल के पेड़ का क्या कर रहे हैं मम्मी। ये वाला तिमूल का पेड़ कल हवा होने की वजह से टेढ़ा हो चुका था, जिस वजह से इसको बांध दिया गया है। इसको सपोर्ट दे रखा है आड़ू के पेड़ से, इस तरीके से इसमें रस्सी बांध दी, अब ये टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन ये ऊपर के साइड से झुक जा रहा है ना, हाँ, ये जहाँ से पकड़ रखा है। और फ्रेंड्स, ये जो न्यू गमला लेकर के आ रखे थे, इसमें लगा दिया है तुलसी और इसे रख दिया है यहाँ पर। मौसी, आज तिमूल के पत्ते क्यों पकड़ रखे हैं आपने? खाने के लिए। अच्छा, तिमूल के पत्ते में रखकर खाने वाले हैं खाना? हाँ। अच्छा, अभी ब्रेकफास्ट तिमूल के पत्ते में करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बन चुका है और ये वाले सारे काम करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। अभी तिमूल के पेड़ को और अच्छी तरीके से बांधना है, क्योंकि अभी सही तरीके से उसको सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि वो ऊपर के साइड से बैंड हो जा रहा है बार बार। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे ये सारे काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग भी अंदर और करेंगे अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। देखो, कहा था कि तिमूल के पत्ते में खाएंगे, इसलिए तिमूल के पत्ते भी आ रखे हैं और साथ ही साथ प्लेट भी आ रखी है। अब देखना ये है कि रखेंगे किसमें खाना, तिमूल के पत्तों में या प्लेट में। अच्छा, मम्मी तिमूल के पत्ते निकालने लग गए, इसका मतलब है तिमूल के पत्ते में ही करने वाले हैं हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। देखो, रख दिए रोटी पत्तों में, क्योंकि तिमूल के पत्ते बाहर से काट रहे थे ना, टहनियां वगैरह, तो इसीलिए उसमें से जो अच्छे अच्छे पत्ते थे वो मौसी ने निकाल लिए थे, तो अभी इस तरीके से उन पत्तों का यूज हो रहा है। फिलहाल कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और बिजलू सोया हुआ है ऊपर छत में, सीढ़ियों के वहां पर सो रहा है बिजलू। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करके हम लोग भी आ गए हैं घर के बाहर और बज चुके हैं 9, और कमला मौसी भी स्टार्ट हो चुके हैं आज का अपना काम करने के लिए, बिकॉज मौसी आज काटने वाले हैं इस नीम के पेड़ को, क्योंकि देखो कितना बड़ा हो गया है ये नीम का पेड़, बिजली के तार पर पूरा टच हो रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। शुरुआत मौसी जड़ से कर रहे हैं, जितने भी घास वगैरह है वहाँ पर पहले घास वगैरह काट रहे हैं। चढ़ गए मौसी जी नीम के पेड़ में, देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा हो चुका है नीम का पेड़, और वो ऊपर बिजली के जो तार है उस पर तक टच होने लग गया है, इसीलिए अब ये नीम का पेड़ को थोड़ा छोटा कर देंगे। पिछले बार भी मौसी ने ही करा था इसको छोटा, इसकी कटिंग मौसी ही करते हैं। ये पेड़ इतना घना हो चुका है कि मौसी तो दिखाई भी नहीं दे रहे नीम के पेड़ में कि मौसी है किस और को, बस इतना मालूम चल रहा है कि उस साइड से मौसी काट रहे हैं। हाँ, ये दिखे इस साइड से, इस साइड को है मौसी, लेकिन इस साइड से भी इतना नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि भाई बहुत बड़ा हो चुका है पेड़। और ये साथ ही साथ पारिजात का पौधा भी लगा रखा है, जो इतना बड़ा पेड़ हो चुका है। नीम के पेड़ के कितने टॉप पर पहुंचे हुए हैं मौसी, यहाँ पर से काट रहे हैं मौसी। पेड़ इतना बड़ा और इतना घना हो चुका है ना कि दिखाई नहीं दे रहे हैं मौसी पेड़ पे। अब जब ये वाला टहनी टूटेगा तब जा कर के दिखाई देंगे मौसी, क्योंकि देखो कितनी घनी है ये टहनी भी। ये लो, तोड़ दिया, दरांती भी फेंक दिया साथ ही साथ। मौसी ने यही पर टहनी के साथ में दरांती भी फेंक दिया था, तो अभी मम्मी पकड़ा रहे हैं दरांती मौसी को, साथ ही साथ गिर गया था। अब इस साइड से तो सही हो गया, अब इस साइड की बारी है। पूरा पेड़ मौसी ने कर दिया सही, जो ऊपर तक टच हो रहे थे वो पूरे छोटे छोटे कर दिए हैं, और ये देखो काट के सब यहाँ पे अब सही हो गया, वरना पूरा बिजली के तार पर टच हो जा रहा था, क्योंकि ये सारे काम में मौसी काफ़ी एक्सपर्ट है, पेड़ पर चढ़ना काटना, इसीलिए मौसी का ही इंतज़ार होता है बार बार। और अब यहाँ पर जितने भी टहनियों की ढेर लगी हुई है वो सब मम्मी साइड कर रहे हैं,
तो यहाँ पर से सारे टहनियों को हटा करके साइड कर देंगे। मौसी आ रहे हैं पेड़ काट कर अब नीचे। आ गए मम्मी मदद के लिए। चारों ओर इतना घासी घास हो रहा है। आ गए मौसी पेड़ काट करके नीचे। और अब इस पारिजात की बारी आ गई है। ये भी काफी ऊंचा हो रहा था तो मम्मी इसे छोटा कर रहे हैं। एकदम ऊंचे ऊंचे हो जा रहे हैं ये सब पेड़। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कोशिश की जा रही है ये वाला टहनी काटने के लिए, बट देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी ऊंचा है तो पकड़ा भी नहीं जा रहा है ना। कोशिश तो कर रहे हैं कि इस तरीके से हो जाए, लेकिन देखते हैं। खींचो खींचो, हो गया हाथ ऊंचा, करो करो करो, बस हो गया, आ गया, अब कट जाएगा। सही आइडिया लगाया, अब इसको इजीली काट लेंगे। एक टहनी तो काट दी है, अब दूसरी वाली भी काटने की कोशिश की जा रही है। ये लो भाई, ये तो पूरी टहनी टूट गई क्या? ये लो, हो गया, मिल गई सफलता मम्मी और मौसी को। अब ये देखो पेड़ उस समय कैसा था, बिल्कुल ऊपर टॉप तक पहुंच रहा था। अब नीम का और पारिजात का पेड़ दोनों को कटिंग कर दी है। अब इतना अब सेफ हो गया, वरना बिल्कुल बिजली के तार पर टच हो गए थे। और बादल देखो, काले काले बादल आ गए। मम्मी और मौसी लग गए यहाँ पर से सारे पत्ते निकाल करके टहनियाँ ले जाने के लिए। कमला मौसी के आने से देखा कितनी मदद मिल जाती है, हर चीज़ में मौसी हेल्प कर देते हैं। कोई काम करने लगो साथ में मौसी जरूर आकर के मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, नीम के पेड़ की जितनी भी टहनियाँ काट रखी थी वो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया था। तो अब यहाँ पर से उन टहनियों में से सारे पत्ते मम्मी और मौसी निकाल रहे हैं। और अब पत्ते निकाल देने के बाद ये टहनियाँ हम लोग लेकर के चलेंगे, बिकॉज ये जो टहनियाँ होती हैं इनको हम लोग खेत में लगा देते हैं, बाड़ा के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर ये फायदा हो जाता है हम लोगों को कि हमको दूसरी जगह जाकर के लकड़ी वगैरह ढूंढनी नहीं पड़ती कि भाई बाड़ा बनाना है चाहिए। ये देखो इस तरीके का हो गया, तो ये बाड़ा बन जाएगा। अब निकाल दिए पत्ते और अब इनको लेकर के अपने घर के आगे रख रहे हैं मम्मी और मौसी। जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। सारी टहनियाँ ला करके यहाँ पर रख दिया है और अभी मम्मी यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का काम होता है कंप्लीट। कल भी प्लांटेशन वाला काम किया था और आज भी ऐसे पेड़ पौधे वगैरह पर ही लगे रहे, सबको सेट वगैरह करा। और अब हो चुका है काम कंप्लीट, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है, लेकिन यार उमस तो हो ही रहा है, पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है। कल तो जितने बार प्लांटेशन का काम करने के लिए आ रहे थे उतने बार बारिश हो जा रही थी। फिर जब दिन में बारिश रुकी उस टाइम पर जो पौधे वगैरह बचे थे वो लगा दिए थे, बट आज तो बारिश नहीं हो रही है फिलहाल, लेकिन मौसम बना हुआ है। लेकिन भाई उमस, इसीलिए मेरे हाथ में तो फैन है, इस तरीके से फैन करते जा रही हूँ, क्योंकि हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, तो गर्म हो जा रहा है बहुत ज्यादा। ये पता नहीं ऐसा कैसा मौसम आ रखा है यार, बारिश हो भी रही है लेकिन गर्मियों में कोई फर्क नहीं, इतनी तेज गर्मी। और सबसे ज्यादा जो खराब लग रहा है वो तो उमस, बहुत ज्यादा उमस हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मम्मी धराती में धार बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी अभी और भी काम करने वाले हैं, काम खत्म नहीं हुआ है अभी। तो देखते हैं मम्मी धार क्यों बना रहे हैं। हो गया था काम कल्याण, तो दोनों धराती में धार बन गई, वो वाले में बना दिया है और अब इसमें बना रहे हैं। ये दे दिया मौसी को, यानी कि अब मम्मी और मौसी फिर किसी काम पे लगने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग धराती लेकर दोनों के दोनों? कोई बात नहीं, चलते इनके पीछे पीछे, अपने आप मालूम चल जाएगा कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये मालूम चला, घास काट रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर पूरा घास काटा गया था और अब दोबारा से, क्योंकि बहुत फटाफट घास हो जा रहे हैं यार। पहले पेड़ काटने में मदद करी और अब पेड़ काट करके हो गया है, तो आ गए हैं इस साइड के खेत में और यहाँ पर से सारे घास काट रहे हैं। और ये तेरुड़ का जो लघु लो रखा था मम्मी, वो भी सब हटा रहे हैं, पूरा जंगल ही जंगल हो जा रहा है। क्योंकि अरबी के पत्ते भी हो गए हैं खाने लायक, देखते हैं अब कब बनेगी अरबी के पत्तों की सब्जी। यहाँ पर से सारे घास काट दिए और कितना साफ सुथरा हो गया है,
इतने बढ़िया तरीके से मम्मी ने और मौसी ने यहाँ पर घास वगैरह निकाल के पूरा साफ कर दिया। और अब यहाँ पर इन टहनियों से बाड़ा बना रहे हैं ताकि जानवर वगैरह अंदर आकर के इन सबको ख़राब ना करें, वरना बार बार जानवर आते हैं और सब खा देते हैं। इन टहनियों से दो काम हो जाते हैं, देखो एक तो टहनियों से हम लोग इस तरीके से अपनी खेत को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं बाड़ा बनाकर, और जब ठंडियों का मौसम आता है तो तब इन्हीं टहनियों को हम लोग जलाते हैं और ठंड से बचने के लिए आग सेकते हैं। अब चलते चलते इस फूल के पेड़ की भी कटिंग कर देते हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सा हो गया है। ओ शाबाश, ये वाला पेड़ भी बहुत घना हो गया है तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देते हैं। अब सही लग रहा है, ये इस वाले की तो कर दी, अब जो उस साइड को है उसकी भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, काम भी हो गया है कंप्लीट, और वैसे भी आज तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले ही यही सारे काम कर रहे थे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद से भी पूरा आज पेड़ काटना, घास वगैरह काटना, सारे यही काम करे हैं। तो देखो बज चुके हैं 11, पता ही नहीं चला टाइम का इतना काम करते करते। तो अब जा करके हो रहा है काम कंप्लीट, अब चलेंगे अंदर, और अभी अंदर के कोई काम नहीं कर रखे हैं तो अब होगा अंदर का काम, क्योंकि मॉर्निंग में बाहर की शुरुआत कर दी थी इसीलिए पहले बाहर का ही काम फिनिश करा है, और अब जाकर के होगा अंदर का काम शुरू। और फ्रेंड्स, चेयर में सो रहे हैं हमारे बिजलू महाराज। ओ बिजलू महाराज, ये हैं हमारे बिजलू महाराज। ये देखो इन दोनों को, म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही है तू, क्या चाहिए तुझे? ये तो बिल्कुल अपना ही घर समझ करके जहां मर्जी वहां जा रही है। इतना तो बिजलू भी नहीं रो रहा है जितना ये रो रही है। बिजलू, ये कहां से आई? सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 7:00 PM, और बिजलू भी जस्ट अभी पहुंच रहा है घूम फिर करके। लंच करने के बाद से बिजलू भी चला गया था बाहर घूमने के लिए, और अभी आकर के देखो इस टाइम पर सो रहा है बिजलू। और फ्रेंड्स, मैं तो दिन में लंच करने के बाद से लग गई टेलरिंग के काम में, बिकॉज कल तो मैंने मशीन को बाहर धूप में रख रखा था, थोड़ा ऑयलिंग वगैरह करी, तो आज से मैंने मशीन का काम भी स्टार्ट कर दिया, और अभी सील रही हूँ काफी सारे कपड़े। ये रही मशीन और ये रहे सूट जिन्हें सील रही हूँ, ज्यादा काम नहीं है, रेडीमेड सूट थे तो फिर इनमें थोड़ा सा फिटिंग वगैरह का काम है, वो ही कर रही हूँ बस। ये देखो हमारा बिजलू महाराज यहाँ पर सो गया है और सुन रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, देखो कान कैसे हिला रहा है, मेरा बिजलू है बिजलू। और ये बिल्ली भी यहीं पर ही रहने लग गई है जब से आ रखी है, 2-3 दिन हो गए इसको यहाँ आते हुए, और इसके लिए रख दिया यहाँ पर खाने के लिए खाना, और मम्मी ने इसका नामकरण कर रखा है गोपुली, ऐसे नाम तो मम्मी रखती हैं। एक का नाम रखा था भोलू, एक का नाम रखा बिजलू, और इसका भी नामकरण हो चुका है, ये है गोपुली। गोपुली खा ले खाना, म्याऊ म्याऊ नहीं करते, ये लके जरिए देखो इसका मुंह दूध मांग रही है ये भी। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं 10:00 PM, और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है, तो इसी के साथ मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यही पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 PM आएंगे, तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।